दोस्तों, दुनिया के इतिहास में अनेक भविष्यवक्ता ऐसे भी हो गए जो आने वाले भविष्य के बारे में अपनी प्रचंड कल्पना शक्ति के आधार पर भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में बताते थे। आज हम जानेंगे ऐसे ही भविष्यवक्ता के बारे में जिनका नाम था नास्त्रेदमस, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी से दुनिया को हैरान कर देने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में बताया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान डिस्कवर में। दोस्तों, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में सटीक तरीके से बताना कोई आम बात नहीं। भविष्य की बातों को हजारों साल पहले घोषणा करने के लिए मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस, इनका जन्म 16वीं शताब्दी में 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। उनका नाम मिशेल दी नास्त्रेदमस था। बचपन से ही उनकी अध्ययन में खास दिलचस्पी रही और उन्होंने लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषाओं के अलावा गणित, शरीर विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र जैसे कठिन विषयों पर विशेष महारत हासिल कर ली थी। नास्त्रेदमस केवल भविष्यवक्ता ही नहीं, वो एक डॉक्टर और शिक्षक भी थे। उन्होंने प्लेग जैसी संसार की सबसे खतरनाक महामारियों में से एक जैसी बीमारियों का इलाज भी किया था। लेकिन 1550 के बाद नास्त्रेदमस ने अपने चिकित्सक क्षेत्र को छोड़कर अपना पूरा ध्यान ज्योतिष विद्या की अध्ययन में लगा दिया। उसी साल से उन्होंने अपना वार्षिक पंचांग भी निकालना शुरू कर दिया था, जो आने वाले भविष्य के बारे में बताता था। उसमें उन्होंने ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों की स्थिति का पहले ही अनुमान लगाया करते थे। कहा जाता है कि उसमें से ज़्यादातर घटनाएं सत्य साबित होती थी। नास्त्रेदमस ने 1555 में भविष्यवाणियों से संबंधित अपने पहले ग्रंथ सेंचुरी के पहले भाग का लेखन पूरा कर लिया था, जो ग्रंथ बाद में अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इनके इस ग्रंथ में प्रथम विश्व युद्ध, नेपोलियन, हिटलर, इनसे जुड़ी घटनाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नास्त्रेदमस अपने अंतिम समय में एक जलोदर नाम की बीमारी से पीड़ित हो गए और बहुत से उपचारों के बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हो पाई। जब उन्हें लगा कि वो अब नहीं रहेंगे, तब उन्होंने अपनी मृत्यु की तारीख और समय की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। व्याख्याकारों के अनुसार नास्त्रेदमस ने अपने अनेक ग्रंथों के व्याख्यानों में दुनिया से जुड़े विनाश के संबंध में उल्लेख किया था, लेकिन अधिकांश शैक्षणिक और वैज्ञानिक सूत्रों का कहना है कि दुनिया की घटनाओं और नास्त्रेदमस के शब्दों के बीच दिखाए गए संबंध काफी हद तक गलत अनुवाद का परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में नास्त्रेदमस की कथित भविष्यवाणियां आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और कई प्रमुख विश्व की घटनाओं की भविष्यवाणी का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।